हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। माय नेम इज प्रत्युष और आपका स्वागत है इन दिस न्यू वीडियो। इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं टाटा सफारी के बारे में, अपकमिंग कार ऑफ टाटा, टाटा की जो आने वाली गाड़ी है उसके बारे में। तो इस वीडियो को एंड तक देखिएगा। और इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप सबको मैं बोल दूं, हैप्पी बसंत पंचमी। बसंत पंचमी की हार्दिक हार्दिक शुभकामना और आई होप यू एंजॉय योर बसंत पंचमी। तो टाटा ने हाल में ही टीजर निकाला था टाटा सफारी का, वो लॉन्च करने वाले। टाटा सफारी नई कम गाड़ी नहीं है, टाटा सफारी पुरानी गाड़ी है टाटा की। तो इसको रीलॉन्च किया जा रहा है नया मॉडल के साथ। तो इस वीडियो में मैं थोड़ा कॉमेडी भी उस पर निकालूंगा और उस पर सारी डिटेल्स बताऊंगा। तो इस वीडियो का एंड तक देखिएगा। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते विद द टाइटल टाटा सफारी रिव्यू, व्हाट इज दिस, लेट्स स्टार्ट गाइस। तो टाटा सफारी का मैं सिटिंग कैपेसिटी कितनी है वो बता दूं मैं आपको पहले। तो टाटा सफारी में 7 लोग बैठ सकते हैं। टाटा सफारी एक एसयूवी कार है और ये फॉर फैमिलीज एंड ट्रेन्स के लिए बनी है, जो ऑफ रोडिंग कार है टाटा सफारी। तो टाटा ने इस गाड़ी का इमेजेस कुछ लॉन्च किया था जो आप देख सकते हैं। टाटा सफारी की इमेजेस कैसी है मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में भी दिखाया था। तो मुझे बस एक चीज टाटा से पूछना है कि टाटा मेहनत क्यों नहीं की गाड़ी में। टाटा हैरियर देखिए और आप टाटा सफारी देखिए, दोनों सेम दिखती है, पता नहीं कैसे। अगर आप दोनों को बाई द बाई खड़ा कर देंगे ना, तो कोई कह नहीं सकता कि ये टाटा सफारी और ये टाटा हैरियर, दोनों क्योंकि सेम लगती है। और स्पेसिफिकेशन वाइज भी लगभग मैं जितना बोलू आपको, टाटा सफारी हैरियर का भी मेरे पास वीडियो आप देख सकते हैं। तो मैं जितना बोलू दोनों सेम ही है स्पेसिफिकेशन वाइज भी, बूट कैपेसिटी भी, सब मतलब सेम है। तो बनाया ही क्यों, ये मुद्दा क्या उठता है? कोई नई गाड़ी बना देते उसकी जगह पे, तो उसकी जगह पे यही गाड़ी क्यों निकाली टाटा ने? तो चलिए इसका पहले स्पेक्स जान ले। तो मैंने बताया आपको सिटिंग कैपेसिटी, माइलेज देता है 14.1 किलोमीटर पर लीटर। माइलेज भी गंदा है, बहुत ही गंदा गाड़ी का माइलेज, स्कॉर्पियो इससे अच्छा माइलेज दे सकती है। अब बूट कैपेसिटी बताऊं तो बूट कैपेसिटी विद विदाउट फोल्डिंग सीट्स, पीछे की सातवीं सीट भी विदाउट फोल्डिंग, सातवें लोगों वाली सीट, 447 लीटर्स की इसकी बूट स्पेस है, अच्छी खासी बूट स्पेस है। आप दूर ट्रेवल कर रहे हैं तो उसके लिए आप अच्छा से अपना सामान रख सकते हैं। व्हील साइज 18 इंचेस का व्हील साइज है। वैसे ये दिखने में थोड़ा एसयूवीज लुक नहीं आ रहा है इसमें, ये नॉर्मल सिडेन कार टाइप का लुक है इसका, आप फोटोज में समझ सकते हैं। व्हील साइज 18 इंचेस है। फ्यूल टैंक साइज है 50 लीटर, इसमें 50 लीटर तक का फ्यूल आप रख सकते हैं। और इसमें 2.1 लीटर फोर सिलेंडर डीजल इंजन लगा हुआ है, 2.1 लीटर फोर सिलेंडर डीजल इंजन इसमें लगा हुआ है, जो पावर जनरेट करता है 170 PS का इसमें पावर जनरेट करता है, और टॉर्क 350 नैनोमीटर्स का टॉर्क जनरेट करता है। ये गाड़ी फोर व्हील ड्राइव है, ऑल व्हील ड्राइव भी बोल सकते हैं आप इसे। और इसमें फोर व्हील डिस्क ब्रेक है, सारी तरफ डिस्क ब्रेक लगी हुई है। ये गाड़ी सेफ्टी के माइलेज अगर देखे सेफ्टी से, तो सेफ्टी के लिए ये गाड़ी अच्छी है। मगर पुरानी टाटा सफारी स्ट्रॉन्ग इससे अच्छी दिखती थी और बहुत ज्यादा ही, बहुत लोगों को पसंद थी टाटा सफारी स्ट्रॉन्ग, मगर ये टाटा सफारी थोड़ी बात को अपनी टाटा सफारी वर्जन को थोड़ा नीचे लेके आ गई है। अब एक्सपेक्टेशन प्राइस, उससे पहले इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को। मैं आपको एक्सपेक्टेशन प्राइस बताऊं तो आपने फोटोज देख ली, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो थैंक्स फॉर वॉचिंग। इसका एक्सपेक्टेशन प्राइस है 18 लाख रुपीज, 18 लाख रुपए की ये गाड़ी है। सोच सकते हैं 18 लाख रुपए एक्सपेक्टेशन। अब लॉन्च होगी फरवरी एंड में, मैं ये फरवरी मिड में वीडियो बना रहा हूँ, फरवरी एंड में ये लॉन्च होगी, और या तो मार्च स्टार्टिंग में लॉन्च हो जाएगी। और 18 लाख इसका एक्सपेक्टिंग प्राइस है और ये मुझे डिटेल्स पता लगी। तो अगर आपको अच्छा लगा तो थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज, आई होप यू एंजॉय। सो वॉट एवर रीजन, जो भी रीजन है, अगर आपको अच्छा लगा तो कमेंट कीजिए। आप कोई और गाड़ी के बारे में जानना चाहते हो वो भी कमेंट कीजिए। अगर आपको टाटा सफारी और टाटा हैरियर एक जैसा लगता है तो कमेंट डाउन बोलो, देखते कितने लोगों को वो लगता है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस, आई होप यू एंजॉय, लेट्स स्टार्ट
जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।